आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जी, आपके वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ, और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? एक साल हो गया। एक साल हो गया, एक साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता? हाँ, है बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा बिस्तरा था, उधर बिस्तरा था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। सब मुसीबत चली गई? सब मुसीबत चली गई। हमारे पहले सर बहुत दुखद बात है कि हमारे पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में लेके बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते उधर भीगते थे, और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डूडा ऑफिस से भरे, और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे अच्छे से जीवन। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला जी। और आप ठीक से मकान बनाया? जी जी, पूरा। कुछ पैसा बचाया कि थोड़ा जोड़ना पड़ा? सर थोड़ा जोड़ना पड़ा। हाँ, जोड़ के उसमें और अच्छे से बना के बिजली पानी व्यवस्था सब कर लिए। सब हो गया सर? सर गैस भी मिल गया? सर गैस भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, पानी भी मिल गया। जी जी। अब बच्चों को पढ़ाते हैं? सर बच्चों को पढ़ाते। जो मेरे पास पैसा नहीं था तो सरकार की तरफ से मदद मिली और हम घर बना लिया, और इस समय अपने बच्चों को उसी पैसे बचा करके थोड़ा पढ़ाई उड़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सफाई का कैसे करते हैं? सफाई का कुछ घर में से निकाल के बाहर फेंकते हैं कि कहीं और करते हैं? सर कूड़ादान वो आते हैं, सब लोग सफाई वाले आते हैं। हाँ, सफाई कर्मी लोग आते हैं, बटोर के एक कूड़ेदान रखा रहता है, उसी में कूड़ा डालते हैं और ट्राली वाले आकर के ले जाते हैं। सर किसी को पैसा देना पड़ा क्या? नहीं नहीं, किसी को पैसा देना? रिश्वत नहीं देनी? नहीं 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 सर। किसी की सिफारिश लगानी पड़ी? सर नहीं, हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ? नहीं सर, मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर, सब अच्छे अच्छे से हम लोग को मिल गया। और इस समय हम थोड़ा ये टेंशन हमको एक भी हो गए। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई भेद नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं। कोई जाति का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, नहीं सर, दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया, नहीं कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर, और काम भी अच्छे से करते हैं। नहीं, सरकार के पैसे भी भेदभाव के बिना मिलते हैं? नहीं सर, भेदभाव तरफ नहीं। पक्का? पक्का सर, पक्का। अच्छा, उसको आप लोग से घर मिला और हमारा बन गया, बहुत अच्छा लगता है अब। नहीं तो पहले तो घर में पानी चले जाते रहा साहब, और सामने वाला देख के बहुत हंसा, ठरिया लेके जब छोपी ना सब लोग हंसें, और कपड़ा वपड़ा सब भीग जात रहा, अब बहुत ठंडी भी लगत रहा। अब एक टाइम तो ठंडी में बहुत अच्छा लगत है साहब। गैस का चूल्हा है? हाँ सर। और आप खाना वाना समय पे पक जाता है? हाँ, सब स्कूल बच्चे टाइम से बना लेते। रोज क्या पकाते हैं आप? हाँ, रोज दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब अब किसी प्रकार का सब्जी होता है वो सब्जी बना जाता। और त्योहार के दिन क्या पकाते हैं? वही पूड़ी सब्जी। हमको भी पहले खपड़ैला था घर हमार, ए सम्मत हमके साहब पक्का मिल गया बा, अच्छे से बाही हम। पहले तो चूहत बहा। कितना टाइम लगा घर बनाने में? 6 महीने में पूरा तैयार हो गया। 6 महीने में हो गया? हाँ, 6 महीने में पूरा तैयार हो गया। और रंग वंग अच्छा लगा दिए? अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग देखने के लिए आते हैं कैसा घर बना है? देखने के लिए आते हैं कि तो हम तोके तो आवास मिल गया, अच्छा सा बाहू हमके, तो तू सब पक्का में रहत रहू, हम तो भाई मड़ई में रहत रहे, हमके भाई सरकार हमके आवास दे दी है साहब लोग, नहीं तो हम कहाँ पाई गरीब आदमी। बच्चा अपन खिया जिया बताइए साहब। तो आपको लगता है सरकार गरीबों के लिए काम करती है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है साहब। सर हम हस्त कला का सामान लगाते हैं सहारनाथ में। तो अभी आप ये स्वनिधि से कितना पैसा मिला, कैसे मिला, क्या हुआ? पहले 10,000 रुपए हम लिए थे, उसको समय से किस्त भर दिए, हमारा क्रेडिट अच्छा था, 20,000 रुपए और ले लिए है, और कारोबार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और जितना हम आप लोगों का धन्यवाद करें उतना ही कम। आपने जो प्रेरणा दी हमको कि स्वावलंबी बनना है, उसमें हमने एक पहले छोटी सी फैक्ट्री बनाई थी, आज हमारी 6 फ्लोर की फैक्ट्री है जिसमें कम से कम 400 से 500 वर्कर काम करते हैं, जिसमें आधी महिलाएं हैं, और इसमें हमने साड़ी के कारोबार को न सिर्फ अपने देश में विदेश तक पहुँचाया है, और आपके द्वारा जो भी हमको ऋण मिला उससे हमने अपने देश की महिलाओं को, अपने शहर की महिलाओं को व्यापार के लिए स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित किया। जब लॉकडाउन लगा था उसमें हमें 10,000 का लोन मिल गया,
सर आप उसमें हम पहले पैसे कहाँ से लेते थे? पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या करते थे? पहले पैसा लेते थे सर, वो गांव में छोटे छोटे 10 महिला का 12 महिला का मीटिंग बनता था, वो पैसा लेते थे 10,000-5,000 करके, वो 8 दिन पर भरते थे। पैसा नहीं रहता था तो घर से सामान उठा लेते थे, ताला लगा देते थे, गाली कुत्ता दे रहे थे, वो सब बंद कर दिए सर। आपका लेन देन कैसे करते हैं? कैश करते हैं कि? कैश भी करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं सर। अच्छा, तो मोबाइल से आपको करना आ गया पैसा देना? हाँ सर आ गया है। घर में परिवार के लोगों को भी आ गया? हाँ सबको आ गया है। सर मैं सचिन भट्ट और मैं बनारस में ही रहता हूँ। जब ये लॉकडाउन लगा उसके बाद पेपर से लेकर के DIC ऑफिस तक में मुझे इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली और उसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बताया गया जिसमें कि सब्सिडी बहुत ज़्यादा है और उसको मैंने यूज़ करके आज सर मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हैंड वॉश का। हम लोग जो गाँव में जो लोग कभी हैंड वॉश साबुन नहीं यूज़ कर पाते थे आज हम उनको लिक्विड हैंड वॉश इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपका सपना पूरा हो गया? बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या शुभ नाम आपका? शारिफ जमाल लारी। और पहले क्या काम करते थे? पहले तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से मैं कपड़े लेता था, उनको जो मैं ट्रेड करता था दूसरे जगह, दूसरे लोगों को सप्लाई करता था, एज ए मीडिएटर करता था। अब मैं अपना कपड़ा खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो बैंक से पैसा मिला? हाँ सर, बैंक से मुझे 10,000 रुपया मैंने लोन लिया था जिसको मैंने कोविड के बाद मैंने पूरा समाप्त कर दिया और फिर उसके बाद मैंने 20,000 का लोन लिया और उसको मैंने और अपने धंधे को बिजनेस में लगाया और खुद QR कोड द्वारा मैं लोगों से पेमेंट करने के लिए कहता हूँ और खुद करता भी हूँ। हम भी अपनी बेटियों को BA में कराना चाह रहे हैं। मेरी बेटी बोलती है मम्मी पढ़ के हम अपना कंप्यूटर चलाएंगे और प्रधानमंत्री जैसे लोग बनने के लिए ख्वाहिश है। गरीबों के लिए सर जी आप तो हम बहुत राम जी के आज गरीबों के आशीर्वाद बने रहे तो हम और काम करेंगे। बहुत मदद मिली आप जैसा सर जी, न पहले कोई आया न अभी आएगा।